CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यापारिक घरानों की सामाजिक जिम्मेदारी। इस अवसर पर सभी दर्शकों को नागरिक फाउंडेशन, नागरिक डायलॉग, नागरिक न्यूज और दैनिक भास्कर के चेयरमैन दीपक द्विवेदी की ओर से हार्दिक बधाई। देश में विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। दैनिक भास्कर, उसके फिलंथ्रोपिक आर्म नागरिक फाउंडेशन, नागरिक डायलॉग और नागरिक न्यूज की ओर से इस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं कि देश में कोई भी CSR का ऐसा इनिशिएटिव जो ग्रामीण भारत की तरक्की के लिए होगा, उसमें संस्थान तन मन धन से अपना सक्रिय सहयोग दे। CSR का मूल विचार वर्ष 1953 में उस समय सामने आया जब एक व्यापारी विलियम जे वोबेन ने सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में अपने विचार जाहिर किए, लेकिन CSR को प्रसिद्धि वर्ष 1990 के बाद ही मिली। हालांकि इसकी शब्दावली अभी भी बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है और इसके अनुप्रयोगों पर एक मतता भी नहीं है। सामान्य रूप से इसे धर्मदान ही कहा जाता है, लेकिन वैश्विक तौर पर अब CSR का विचार सामुदायिक विकास के रूप में ज्यादा ग्रहण किया जा रहा है। इसके तहत औद्योगिक घराने खुद की क्षमता के विकास के लिए सामुदायिक विकास का काम करते हैं। भारत में CSR से संबंधित नया कानून 1 अप्रैल 2014 से लागू है और इसके अंतर्गत न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनियां या न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियां या फिर कम से कम 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनियों पर CSR नियम लागू होता है। ऐसी कंपनियों को इस तरह के कार्यों पर अपने 3 साल के लाभ के औसत का कम से कम 2% खर्च करना होता है। भारत के औद्योगिक घरानों के लिए CSR कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कई अग्रणी औद्योगिक घराने पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन निर्माण, दक्षता विकास और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए हैं। पिछली कई दशकों में टाटा औद्योगिक समूह ने देश में न्यासों की स्थापना की है, जिनके जरिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे संस्थान बने। विप्रो कंपनी के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने देश में स्कूली शिक्षा की दशा सुधारने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। इंफोसिस कंपनी भी हर साल सामाजिक कार्यों के लिए इंफोसिस फाउंडेशन के जरिए जनहितकारी कार्य करती है। इन उदाहरणों से एक बात तो स्पष्ट है, भले ही कम संख्या में हो, लेकिन भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी या CSR का निर्वहन करती हैं। CSR की गतिविधियां 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। भारत में कंपनियां CSR के तहत समग्र तौर पर कुल 26 क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इनमें पहले स्थान पर सामुदायिक कल्याण है और इसके बाद शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास का नंबर आता है। CSR संबंधी गतिविधियां स्थानीय समुदाय के विकास कार्यों में वहीं केंद्रित होती हैं जहां पर ये कंपनियां कार्य करती हैं। इसका खराब पक्ष ये है कि CSR से मिलने वाले लाभ उन्हीं राज्यों को मिल रहे हैं जो पहले से ही विकसित हैं, न कि ऐसे राज्यों को जो विकास के निचले पायदान पर हैं। सरकार CSR से जुड़ी पहलों को मजबूत बनाने की दिशा में एक ढांचे का निर्माण बनाने का प्रयत्न कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि हरित पहल करने वाली कंपनियों को मिलने वाले कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर ही CSR अपनाने वाली कंपनियों को CSR क्रेडिट दिया जा सके। देश में CSR गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में बने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में राष्ट्रीय CSR केंद्र की स्थापना की गई है। यह संस्थान औद्योगिक घरानों की सामाजिक जिम्मेदारी की परियोजनाओं पर शोध तथा थिंक टैंक की तरह काम करता है। इस केंद्र को सार्वजनिक उपक्रम विभाग धन उपलब्ध कराता है। यह केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर CSR संबंधित आंकड़ों का संग्रहण और दस्तावेजीकरण करता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के साथ CSR का एकीकरण करना है। CSR से जुड़े हुए नए दिशा निर्देशों का जोर हल्केपन से अपनाए गए तरीकों के बजाय इसे परियोजना आधारित और जिम्मेदारी परक बनाना है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सामाजिक कल्याण की परियोजनाएं सर्वेक्षण पर आधारित हों, ये कार्यक्रम ठोस तरह से लागू किए जाएं और इनकी निगरानी की व्यवस्था हो। इसमें यह भी कहा गया है
के सीएसआर कार्यक्रमों को कंपनियों के आम कर्मचारियों के बजाय विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से करवाया जाए। इन एजेंसियों में समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ जिन्हें हम कहते हैं, पंचायत संगठन, अकादमिक संस्थान, ट्रस्ट एवं मिशन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडल आदि शामिल हैं। किसी भी समाज को उन्नति करने के लिए लाभप्रद और प्रतिस्पर्धी व्यापार को अवश्य ही बढ़ावा देना चाहिए और आय एवं अवसरों को मजबूत बनाना चाहिए। इससे सृजनात्मक साझा मूल्य कहा गया है और यह कंपनियों और समाज के व्यापक हित में है। इससे ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का आधार विस्तृत होगा। दैनिक भास्कर के एडिटर इन चीफ श्री दीपक द्विवेदी के सफल नेतृत्व में नागरिक फाउंडेशन, नागरिक डायलॉग और नागरिक न्यूज़ CSR के माध्यम से सामाजिक कार्यों में औद्योगिक घरानों की सहायता तथा अपनी सहभागिता के प्रति प्रतिबद्ध एवं तत्पर हैं।